कवियों की एक शिकायत है कि ताली नहीं बजा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि मन से जो सुनते हैं तालियां अपने आप बजेगी। जरा एक बार अगर दुर्गा शंकर जी की बात आपके मन तक पहुंची हो तो दोनों हाथ उठाकर उनके लिए तालियां बजाएं। क्यों ये कवि खुद पे व्यंग करके आपको हंसाते हैं? जैसा हमारे शहनाज भाई ने कहा था कि हम खुद पे व्यंग करके, मैं कभी ऐसे कवि को खड़ा करना चाहता हूं जिसकी भूमिका बनाने की मुझे कोई बहुत लंबी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने का काम वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो खुद पे व्यंग करके आपको हंसाना जानते हैं। मेरा आशय उस कवि से है जिसको आपने पहले कई बार सुना होगा, लेकिन मैं उनका क्रम नहीं है, लेकिन इस क्रम पर इस कवि सम्मेलन को ऊर्जा देने के लिए मैं इस माइक पर अब आवाज देना चाहता हूं उस कवि को जिसका नाम है भाई दिनेश देसी घी। अगर आप इस क्रम पर उन्हें सुनना चाहते हैं तो इतनी कम तालियों में मैं जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाए, और भाई दिनेश देसी घी यहां तक जब तक नहीं पहुंचे आपकी तालियां अनवरत बजनी चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए। हाँ, मेरा ही वाला है। प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं। वास्तव में 2 साल के बाद परमात्मा ने यह अवसर में हमें दिया है कि बिना मास्क के कुर्सी से कुर्सी लगाकर हम बैठे हैं। वरना स्थिति यह थी कि घर के अंदर पत्नी के सामने भी मुंह पे मास्क लगाकर हम हंसते थे, लेकिन आज हंसने का क्रम परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है। अतुल भैया, आइए हम कवि सम्मेलन का शुरुआत करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं दीदी भी, हमारी दीदी है, और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे आदिशासी अधिकारी महोदय, हमारे प्रिंसिपल साहब, सारे लोग तमाम यहाँ पर बैठे हैं। भैया आप कहाँ जा रहे हो? सुजलाम सुपलाम मलिया जी विकलांग, ऐसे मत जाओ यार। हाँ, थोड़ी उम्मीद मेरी आपसे बढ़ जाती है क्योंकि मैं कोटे का कवि हूँ। ये वाला कोटा नहीं, दिव्यांग कोटा। हाँ, ये वाला कोटा समझिए। तो मेरी अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो। साउंड वाकई बढ़िया आपका। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। जितने लोग पीछे खड़े हैं आपसे मेरी अपेक्षा और ज्यादा है कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। दौड़ जाऊंगा अगर जिंदाबाद दिनेश तो हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवती से क्या मांगता हूं कि महफिलों में आपकी मैं चमकता रहूं, धड़कनों में आपकी मैं धड़कता रहूं। अफसर भाई, मौत शीशे की मुझको तू देना खुदा, टूट जाऊं बिगल तो खनकता रहूं, टूट जाऊं बिगल तो खनकता रहूं। क्या बात है साहब, क्या नाम आपका? द्वारका प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी आपने माला पहना दी, वरना मेरी कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। ये भी नहीं मानते। नहीं, सही कह रहा हूँ अतुल भैया। मेरी तो कंडीशन ऐसी है भाभी जी कि पड़ोस की महिला है, मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है।
दुख के अंदर, दर्द के अंदर भी अगर आनंद ढूंढने की कला उसके अंदर है, दक्षता उसके अंदर है, तो एक हाथ भी खामोश मत रखना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। हसो मत। हाँ, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1,25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1,25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1,25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। तो कुल मिला के, अच्छा हंसो मत, आप सुबह झगड़ा हो गया मेरी पत्नी से कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूं। हंसो मत आप। ये स्थितियां हो जाती है। साउंड आके बढ़िया है, साउंड बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ शहनाज भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अफसर भाई बैठे हैं, इतना अच्छा साउंड होने के बाद वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी, उसे यहाँ ला के दिखाओ लाखेरी के अंदर के कैसे मनाया जाता है पर्व, गणगौर महोत्सव हो चाहे कोई भी महोत्सव हो, सारे मिल के मना रहे और कहता है मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। नहीं, जब साउंड बढ़िया हो जाता गौरव भाई तो सारी स्थिति अच्छी हो जाती है। आपको मालूम नहीं, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। हम यहाँ शिवरात्रि पे कैसेट लगा दी, एक दादी मानी पड़ गई, लगा दी, सारे गांव से दूध मंगा कर पिंडी को नहला दो, पिंडी को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। दादी मल्ली पड़ गई बेचारी। अभी उड़ सके समय चाचा जी नहीं पड़ गए, छोरों ने कैसे लगा दी कब्बाली की। हाँ दीदी, कब्बाली की कैसे लगा दी, चाचा जी नहीं पड़ गए। हमारे यहाँ सारे त्यौहार मिल के मनाते हैं, तो वो भोंगा घुसेड़ दिया उसने, अब कैसेट लगा दी। हुए नामवर बेनिशा, हसो मत, मैं गा लेता हूं। ये सारे कभी टेंशन में आ गए अभी 2 साल में? अबे कोरोना आ गया था तो 2 साल में टेंशन में आ गए? अपने को कोई टेंशन नहीं रहा सर, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ अपने को ये कभी सम्मेलन बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लाखेरे से बैठो जयपुर तक डफरी ले लो, भारत छोड़ी मेरी से। तो वो कैसेट लगा दी उन्होंने उड़ सके समय पे। हो गए नाम बेनिशा कैसे जमी खा गई नौजवान। चाचा जी निपल गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हंसो मत आप, साउंड बढ़िया आपका, नहीं साउंड का खेल होता है। हाँ दादा बेटे हमारे वीर जी, हाँ साउंड का खेल होता है वो। आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, इनके जमाने में ग्रामोफोन चलता था जिसमें एक चूड़ी लगती थी, वो चूड़ी कहीं अटक जाते तो गाना वहीं आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हम यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही। हाँ साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली जो मेरा तो आर पार है। तो वो साउंड जो कैसी ऐसी जागे अलजी, वो हमारे यहाँ के अबीब भाई का बैंड है, तो अबीब भाई का बैंड है तो अबीब भाई ने बैंड लगा दिया ऐसे मौसम में, और वो चले गए बकरी चराने के लिए। हाँ गांव वाले ढूंढे क्यों रहे अबीब भाई किधर गए, वो कैसी ऐसी जाके अटके के माइक बंद करो, अबीब भाई किधर गए, वो कैसी लगा दी उन्होंने पंकज उदास की गजल। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, चूड़ी देखो, डोली में जब
बैठी बहना रसता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी रात भर हेट गई। क्यों ना अभी देखा गया। अब अभी भाई जब वो आगे बढ़े, साउंड बढ़िया आपका। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि कोई कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है भाई साहब, उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। और गर्व करना चाहिए। हमारे अफसर भाई बैठे हैं, हैं? राजेश भाई बैठे हैं, हाँ, हमारे जितने पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, गर्व करना चाहिए कि हमने उस माटी पर जन्म लिया है जिस माटी को कोई देश नहीं, कोई नाम नहीं, माँ का दर्जा दिया है, भारत माता। माता कहते हैं इस माटी को, हैं? आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलू अम्मा, माँ का दर्जा इस माटी को मिला है। उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है तुलविया माँ? हाँ, माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता भी सुनना मेरे दोस्तों, लाखेरे में कविता सुनी जाती है, मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ। माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। हंसने वाली बात नहीं है, बहुत गहरी बात कह दिया तुलविया मैंने, हाँ मजाक में। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कार को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। वाह वाह वाह। मेहनत मजूरी, मेहनत मजूरी कर लेते हैं, लेकिन हम पढ़ लिख कर ज्यादा मॉडल के हो जाते हैं, हमारे घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। ये शिक्षा पद्धति हमारी कैसी हो गई मालूम आपको? हम उस देश के वासी हैं जानदे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था, 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे, तो सारे ख्वाबों को एक पल में